पार्लमेंट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वच्चारु लाइव चूद्दाम। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खड़े उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं, वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। आज करेंगी राष्ट्रपति का अभिभाषण, जाहिर तौर पर सरकार की नीतियों का विवरण और इस नजरिए से ये देश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी,
माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस की पराकाष्ठा दिखाने के ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए शत प्रतिशत सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृत काल के इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृत काल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया, तब तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घटेलों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 2वें नंबर की अर्थव्यवस्था से
पांचवें नंबर पर पहुंच गए। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायकवे कैलाश अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म में ही सिद्ध। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनकल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार दो बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्थिरता है, वह देश आज भीषण संकट से घिरे हैं। लेकिन मेरे सरकार ने राष्ट्रहित में जो भी निर्णय किए, उससे सारा भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में।